जम्मू कश्मीर भाजपा में उथल पुथल मची हुई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप कोरोना का टीका लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं, तो शाम को आपको हल्का हल्का फीवर हो जाता है, फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये एक उथल पुथल है, क्योंकि वो टीका जो है नई बॉडीज जो है वो बनाता है। और ठीक उसी प्रकार भाजपा के अंदर भी उथल पुथल मची हुई, ऐसा लगता है इनको भी एक कोरोना का टीका लोगों ने लगा दिया है और इनके भी अंदर अब नई बॉडीज जो हैं वो बन रही हैं। ये अब क्या कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने ही लीडरों को झुकाने में लगे हुए हैं। रंधावा साहब की बात कर रहे हैं हम। पहली कॉन्फ्रेंस में वो शेर थे, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थोड़ा नीचे आए और अब बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं। अब उनके तेवर भी ठंडे पड़ गए हैं। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने एक रिटर्न में पेपर पे कुछ लिखा हुआ था जिस पे वो पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था वो लिख कर किसी ने दिया है कि आपको ये लाइनें हैं, जैसे स्कूल में बच्चे को नहीं देते हैं इस तरह से दिया था कि आपको ये लाइनें हैं, आपको ऐसे पढ़नी हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर से जम्मू के अंदर एक भाजपा वापस से ट्रोल हो रही है, रंधावा साहब ट्रोल होना शुरू हो गए हैं और लोग अलग अलग तरह से मजाक ले रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर भाजपा करना क्या चाह रही है, क्या दिखाना चाहते हैं? कि एक लीडर ये दिखाना चाहता है मैं ताकतवर हूँ, दूसरे लीडर को झुकाकर, हाँ ये कौन सा तरीका? हर जगह देखो ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है इनको? इन सभी चीज़ों पर वापस से चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। और मंथन करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इनको कोरोना का टीका लग गया है भाजपा वालों को? नहीं नहीं, कोरोना का टीका कुछ नहीं लगा है। नहीं, काफ़ी उथल पुथल मची हुई ना? नहीं, वो इनकी अपनी करनी है ना, उसमें अपनी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें कोई लोगों को कसूर इसमें करने का फल लग रहा है। मोटी पुरानी कहावत है, जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा मुझे फल मिलेगा। रंधावा साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने? टीवी पे देखा था, वो ऐसे जैसे वो बिल्कुल ही उदास, उनको ऐसे लग रहा है कि उनको कहा गया कि आपने ये डॉटेड लाइन पे साइन करने हैं, ये बोलना है, और वो बोल रहे थे बेचारे, अपनी जान छुड़ाई उन्होंने। लगता है जान छूट गई। जान तो नहीं छूटी, मैंने आज जो FB पोस्ट लिखी थी, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं कोई राजनीतिक बंदा नहीं हूँ, आपको पता ही है। वैसे तो आप बात कर रहे हैं तो मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ कि ये जो माफ़ी हमने देखी या पढ़ी आज के पेपर्स में, ये मैंने मेरी समझ के अनुसार, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई फाइनल वर्ड हूँ, ये मैंने लिखा है कि ये पॉलिटिकल माफ़ी है, ये पॉलिटिकल राजनीतिक पॉलिटिकल माफ़ी में और दूसरी माफियों में अंतर है। ऐसे ही है, रूठे थे मना लिया, वो हुआ गुस्सा शुस्सा, ये वो बैठो चलो जी, चलो ख़त्म करो जी, ख़त्म करो जी। अब दूसरी बात इसमें ये है कि वो जो कमेटी बनी थी, आपको पता है वो भगसा वाली आईवाश कमेटी, हाँ हाँ वो आईवाश कमेटी, जिसके बड़े वो चर्चे हुए और हमने भी कुछ लिखा, आपने भी इंटरव्यू के और चर्चे हुए, और अभी तक भी कहते हुए रिपोर्ट दे दी हुई है, लेकिन वो रिपोर्ट ऐसी है पता नहीं, उसको उसके लिए भी हमें कोई RTA लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, या क्या करना पड़ेगा? हाँ वो रिपोर्ट थोड़ी देखने रही है, पता नहीं RTA लगानी पड़ेगी या उसमें क्या है, कुछ पढ़े तो, लेकिन कोई कहते हैं सबमिट हुई है, सुना है, लगता है कि काफ़ी उन्होंने उस कमेटी ने काफ़ी अच्छी कोई वर्डिंग लिखी होंगी, इसलिए जो भी उन्होंने लिखा है, लेकिन जब तक वो सामने ना आए तो उस पर हमें बात करने का बात बनती नहीं। जी जी। तो मेरी जो समझ कहती है, छोटी सोच, वो ये कहती है कि वो भगत साहब से भी इनको चाहिए क्लीन चिट, क्योंकि उसमें एक नंबर .5 में भी था कुछ मसला। क्लीन चिट किसको? डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को क्लीन चिट में, डॉक्टर साहब पर इल्ज़ाम लगाए गए तो क्लीन चिट तो डॉक्टर साहब को मिलनी है ना, मुझे थोड़ी मिलनी क्लीन चिट। रंधावा साहब तो माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने कहा ना, पर राजनीतिक है ना सारा मसला, एक ही पार्टी के लोग हैं, कुछ प्रेशर उधर से जनरेट हुआ होगा, कुछ इधर से जनरेट हुआ होगा, फिर बीच में कुछ बीच बचाव करने का प्रयास किया होगा। 29 को उनके दिल्ली में उधर कोर्ट में था मसला, 28 को उन्होंने रात को एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उन्होंने सोचा कि जान छूटी, और वही बयान हो, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया होगा अपने वकील के द्वारा या क्या
दिल्ली जिली भेज के भेज दिया होगा। अब वो अगर डॉक्टर साहब को सेटिस्फाइड होते हैं तो ठीक है, या वो कोर्ट क्या संज्ञान लेता है मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, या उनके वकील क्या करते हैं, ये तो एक लीगल मसला है इसमें मैं क्या। तो वो भी एक आधे दिन में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी जो आज की इस वक्त तक जो परिस्थिति है उसमें यही मुझे लग रहा है, ये एक ऐसे वो राजनीतिक हलचल थी। अब बड़े गुस्से में थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो तो कुछ हुआ भी नहीं। अब वो जो उन्होंने कल रात को पढ़ दिया अखबारों में आ गया, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जम्मू के अखबार में वो बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर वो सारी बात उन्होंने लिखी हुई है। बीजेपी के लेटर हेड पे, बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर लिखी हुई है वो। रोज ये कह रहे हैं मैं अच्छा अच्छा बोला है उन्होंने डॉक्टर साहब के बारे में, लेकिन एक किस्म का जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैटापुल्ट सरेंडर, सरेंडर कर गए वो, मेरे विचार से सरेंडर कर गए वो। तो वो पहले जिस बारे में पहले अगर उनको पता ही, अगर वो इल्ज़ाम में कोई वजन ही नहीं था, उसमें कोई बात ही नहीं थी, ये हंगामा करने की ज़रूरत क्या थी। पर ये शोभा देता है कि एक भाजपा का लीडर दूसरे को ये या ये सिद्ध करवाने लग जाए कि यार मैं ही ताकतवर हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, तुम माफ़ी मांगो, मेरी इमेज ख़राब हो गई। अब भाजपा की छवि नहीं ख़राब हो रही इससे? लेकिन ये पॉलिटिकल गेम्स होती हैं। अच्छा, इट्स अ गेम ऑफ चेस। ये पार्टीज में भी होता है, जिसे कहते हैं कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई पीछे रह जाता है, तो इनमें चलती रहती हैं गेम्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो एक बड़ा अजीब सा मजाक बन गया ना, ये मजाक बन गया, जिसे कहते हैं टेल ऑफ ट्रेवेस्टी हो गया ये। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक ज़माने में टेल ऑफ ट्रेवेस्टी लिखा करते थे। तो मैंने भी आज की जो फेसबुक लिखी है उसमें मैं ये लिखा है कि रंधावा जी की जो माफिया, ये टेल ऑफ ट्रेवेस्टी मजाक। अच्छा, मुझे तो मजाक लग रहा है, शायद उसमें कोई बड़ी गंभीरता हो, मुझे को तो लगी, मुझे तो लगी नहीं एज ए सिटीजन। लेकिन उन्होंने जो माफ़ी मांगी है उनसे, लेकिन जो छवि जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए, क्या वो जो रिपोर्ट रिपोर्ट तो है ही नहीं ना जी हमारे पास दीपक जी, हमारे पास सही, आपने भी नहीं शायद देखी। हाँ, तो मैंने भी नहीं देखी। तो अब वो पूछना पड़ेगा ना, अगर भगत साहब से पूछेंगे या जो भी कंसर्न है पूछेंगे जी, वो जो एक पॉइंट नंबर 5 के ऊपर कुछ बात थी, उसके इर्द गिर्द कुछ बात घूमती थी, तो उसको देखें तो क्या वो डॉक्टर साहब को आप ये बरी करेंगे अपने हिसाब से, या कर दी है आपने तो चलो वो पहले हमें बताएं तो सही ना कुछ। अच्छा, तीसरी बात ये, 4 तारीख से लेके आज समझो 24-25 दिन ये जम्मू में सोशल मीडिया पे और इधर उधर ये बातें चलती रहीं, तो ये कितना यहाँ पे अजीब किस्म का सोसाइटियल वातावरण दूषित हुआ। आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, फिर लोग, आपको पता है जब चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं, हर आदमी अपने बुद्धि के अनुसार उस पर वो कमेंट, टीका, टिप्पणी, दोषारोपण, ये वो चलता रहता है। तो मुझे तो भाई एक बहुत इरिस्पॉन्सिबल एक्ट लगता है। आपको लगता है कि उनको लोगों से भी अब माफ़ी मांगनी चाहिए? मैंने तो अपनी पोस्ट में लिखा उनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि दे हैव नो राइट टू स्पॉइल अवर माइंड, है उनको अधिकार। देखो ना, ये पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, ये बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, इनको लोग याद आते हैं कब, जब उनको वोट लेने होते हैं। तो वो 5-6 साल वो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, हवा में ही होते हैं, वो कुछ खड़पैंच वगैरह इनका कुछ होती है बात, बाकी कॉमन मैन को कोई ज़्यादा मसला नहीं होता उसमें। तो एनी हाउ, अब हमें डिस्टर्ब सारे जम्मू को जे एंड के डिस्टर्ब करके रख दिए, अरे वो ऐसे ऐसे ऐसे, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, तो बीच में वो इसे कहते खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, अभी तक यही है वो कुछ खोदा बाहर तो निकाल चुका। लेकिन लोगों ने जो निकालना था वो उस लोगों को तो आप बंद ही ना कर सकते हैं, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे इनको अच्छा लगता है, जैसे किसी को अच्छा लगता है, वो अपनी बात पेश करेगा वो। अब वो तो बियर करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डैमेज हैज़ बिन डन, और ये जो कल का प्रोग्राम था इसे कहते हैं अंग्रेजी में डैमेज कंट्रोल। हो रहा कंट्रोल लगता है आपको? कोशिश है, प्रयास है। लेकिन मैंने एक बार पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जो शब्द एक बार निकल जाए मुंह से वो कहीं गुम जाता है वातावरण में, वो नष्ट नहीं होता। अब ये लोग कहते हैं जी गुम हो गया, ख़त्म हो गया, माफ़ी मांग ली, पीछे हट गए, वो सब ठीक है, ये ऐसे कहते हैं वाइट वॉश, लिपा पोती। लेकिन ये जो हमारे राजनेता हैं, इनको शायद इन चीज़ों का खास ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। वो छोटे बच्चे की तरह पढ़ रहे थे ऐसा उन्होंने पेपर,
कोई होगी ना इंस्ट्रक्शन, आपको यही बोलना है, यही बयान दर्ज करना है, तो उनको किसी उनको वकील ने बताया होगा या किसी ने बताया होगा, या मुझे नहीं पता, तो वो पढ़ रहे थे, अब वो थोड़ा प्रिकॉशन ले रहे थे ना कि ऐसा ना हो कि पहले कुछ काफ़ी मैंने बोल दिया उल्टा पुल्टा, अब वो ओरिजिनल कुछ मुँह से निकल जाए तो भाई वही बोलो बस, बस वही बोलो बस ज़्यादा बस। और मुझे तो ये भी कोई बता रहा था हमारे वो पत्रकार मित्र की, वो कोई बाद में कोई क्वेश्चन आंसर सेशन भी नहीं हुआ, वो कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन वगैरह वो लेना भी नहीं चाहते थे, वो फटाफट ख़त्म हो गया वो मसला। हाँ, वो पता नहीं पत्रकारों से डर गए अब। नहीं नहीं, वो पत्रकारों से उन्होंने क्या डरना है, वो जो मन इंसान का जो मन होता है ना, वो ये भी एक बहुत बड़ा ये इसमें होती है चक्कर इसमें। हाँ, जब हम कोई बात गलत कर देते हैं या कोई हमारे से कुछ ऐसी बात हो जाती है, हमें कोई कुछ कहे ना कहे, हम अंदर से ही कुछ परेशान से हो जाते हैं। ये मेरी ऐसे जनरल ऑब्जर्वेशन है एज ए सिटीजन, बाकी क्या है या क्या नहीं है मैं क्या जानूँ उसके बारे में। पर ऐसा नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा है जो अपना अपनी ताकत दिखाने का प्रयत्न कर रहा है? हो सकता है, हो सकता है कोई प्रेशर जनरेट हो किसी किसी ग्रुप का, भाजपा में भी वो कहते तो हैं वी आर वन, लेकिन वो मेरे ख्याल में वन नहीं है वो। उनमें भी कुछ छोटे मोटे ग्रुप हैं, वो खींचातानी उनमें भी चलती रहती, तो शायद किसी ग्रुप ने कोई प्रेशर जनरेट किया हो, मुझे तो इसका। लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ बीच बचाव का एक प्रयास है, बीच बचाव का, चलो जी ख़त्म करो बात को, ये वो है, जैसे घर में चलो जी ख़त्म करो जी, बोल दिया जी, माफ़ी दो जी, ये ख़त्म करो बात। कल हमने जो एक लाइव किया था, हमने कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो फैंस हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है कि माफ़ी मांगी गई है और उनके मन को संतुष्टि मिली होगी। आपको लगता है डॉक्टर साहब के जो फॉलोअर हैं उनके मन साहब के फॉलोअर को संतुष्टि मिली होगी? ये तो किसी उनके जो फॉलोअर हैं आप उसी से पूछिए, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि वो एक दिन हमने देखा, हम कुछ खबर चला रहे थे, कुछ लोग नारे लगा रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुर्दाबाद, तो अब ये नीचे कुछ लोग लिख रहे थे कि वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं, स्टेट समाचार उसका डिफेंस हो, उसको कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग अपोज करते हैं, और कुछ लोगों से कई बार अपोज करवाया जाता है और कईयों से कई बार स्तुति करवाई जाती है, ये सब ट्रिक्स हैं। आप कौन कितना किसको चाह रहा है और कौन कितना किसके पीछे पड़ा हुआ है, ये अजीब मसला है। इस पर फायदे के लिए डॉक्टर साहब की जय जयकार कर रहे हैं लोग, डॉक्टर साहब क्या फ़ायदा देंगे लोगों को? नहीं, मुझे नहीं पता क्या फ़ायदा देंगे लोग, जो मतलब मुझे नहीं पता क्या फ़ायदा देंगे डॉक्टर साहब, क्या देंगे फ़ायदा मसला? वो तो इस समय पूरे पावरफुल व्यक्ति हैं, जम्मू के पूरे कंट्रोल है उनके पास। डॉक्टर साहब तो पावरफुल हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से भी मेरे ख्याल हिंदुस्तान के ऊपर है या नहीं, मेरे ख्याल है कोई ऊपर, तो डॉक्टर साहब क्या फ़ायदा दे देंगे हमें, खास क्या फ़ायदा दे देंगे? वैसे मैं आपसे छोटा सा प्रश्न मुझे पूछना चाहिए, अगर आप बुरा ना माने, तो डॉक्टर साहब क्या वंडर कर देंगे, उन्होंने हमारे जम्मू के लिए क्या वंडर किया, कुछ किया आपने? काफ़ी कुछ किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। डॉक्टर साहब की मेहरबानी थोड़ी है जी, डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, चलो अगर आप उनको क्रेडिट देना चाहते हैं दे दीजिए। वैसे नाराज हो जाते हैं ना उनके फॉलोअर, वो हम भाई हम ना फॉलोअर में हैं ना अपोज करने वालों में है, हम तो एक बड़ी जनरल बात करें, इंडिपेंडेंट व्यू हमारा। अब फॉलोअर्स को पता होगा डॉक्टर साहब ने क्या किया या क्या करने जा रहे हैं, और जो उनके अगेंस्ट हैं उनको पता होगा कि वो क्यों अगेंस्ट हैं। मैं तो ना इधर में ना अपोज करने वालों में हूँ तो ना मैं ब्लाइंड फॉलोअर हूँ, कुछ किया होगा काफ़ी अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे को खास नज़र नहीं आया, या शायद नोट नहीं किया होगा। आपकी दृष्टि से बच के निकल गए। देखो मैं कोई ज़्यादा, माफ़ करना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पॉलिटिशियन, मैं कोई ज़्यादा मैड फैन न्यू पॉलिटिशियंस का, मैं बेसिकली एज ए पर्सन मैं कोई मैड फैन नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि भाजपा के अंदर, जहाँ जम्मू कश्मीर भाजपा के अंदर दो गुट बन गए हैं और दो गुटों में दो ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, एक बोलता मैं CM बन जाऊँ, दूसरा बोल रहा मैं बन जाऊँ CM का, तो अभी सपना दूर है, वो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कुछ कैसे हालात होंगे, फिर वो कुछ होगा उसमें, अभी तो वो मेरे ख्याल में इतना जल्दी भी नहीं होने वाला मेरे ख्याल में। नहीं? जो
कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो उसमें वो सारा वो होगी सीटों सीटों का होगा, तो उसके बाद वो होगा मेरे ख्याल में। और वो सिक्योरिटी सिनेरियो भी है यहाँ पे, खासकर कश्मीर में रहती काफ़ी प्रॉब्लम, वो सारा वो देख के मेरे ख्याल कुछ करेंगे, मेरे ख्याल में करेंगे। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो बहुत पहले से अपना बेस बनाने लग जाते हैं और फिर वो बेस बना रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता, हम ये भी नहीं कह सकते, कई बार क्या होता है कुछ सरप्राइज भी हो जाता है कई बार। ईश्वर की मर्जी भी चलती है? नहीं, ईश्वर की मर्जी, चलो ईश्वर की मर्जी भी होगी, लेकिन कई बार सरप्राइज भी आ जाता है। कई बार वो बंदे आ जाते हैं फोरफ्रंट में जिनको आपने उनके बारे में सोचा नहीं था कभी, वो आ जाते हैं। अब यहाँ क्या होने वाला है कि वो कश्मीर का जो है ना, ये इसकी जो इसको डीकोड करना इतना आसान नहीं है, कश्मीर की जो पॉलिटिक्स, जेएंडके की पॉलिटिक्स, इतना डीकोड करना इतना आसान नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग फेल भी हुए बड़े अच्छे तरीके से, तो ये बात की बातें हैं। जब रिपोर्ट आएगी फिर उसमें होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह जो उनको एरियाज को करेंगे डिमार्केट, फिर वो कितनी सीटें होंगी क्या होगा, ये बात की बात है। अभी तो फिलहाल यही है जो मैं देख रहा हूँ कि हंगामा किया, शोर मचाया और बाद में खुद ही बिल्कुल झुक गए और बिल्कुल ही वो अजीब सा सरेंडर कर दिया। और मुझे ये लगता है कि ये मेरी अपनी पर्सनल, वो ठीक है उनको अच्छा लगा, उन्होंने वो माफ़ी शाफ़ी मांग ली, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि वो रंधावा जी का कोई इससे कद बड़ा हुआ होगा, इससे कोई उनका, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि उनका वो बीजेपी में उनका कोई कद बड़ा हुआ होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया या बहुत बड़ा त्याग का वो उन्होंने वो त्याग वाली को ऐसी बात कर दी है। और डॉक्टर साहब को अभी वो माफ़ी शाफ़ी दुनियादारी के हिसाब से चलो ठीक है, लेकिन वो जो डॉक्टर साहब क्योंकि पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, चाहे मैं डॉक्टर साहब की सारी बातों को नहीं मानता लेकिन पढ़ने लिखने में वो ठीक है, वो ऐसी बात नहीं है, वो बात को इतना तो जरूर समझते कि डैमेज हैज़ बिन डन। मैं दोबारा फिर कहूँगा, देखिए सफ़ेद कमीज पर एक बार दाग लग जाए ना, आप उसको जितना मर्जी साफ करें इंप्रेशन रह जाता है। जैसे आप दीवार में कील को गाड़ते हैं, जब कील कई बार दीवार में जाता नहीं है लेकिन इंप्रेशन छोड़ जाता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है जी, कि कल भी मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, वही आपसे प्रश्न पूछूंगा कि भाजपा में, भाजपा को जो डैमेज मिला है वो रंधावा साहब की वजह से मिला है कि इनके कार्यशैली की वजह से मिला है? किसकी कार्यशैली? जितने से नहीं, मतलब जो भाजपा के यहाँ पर लोग भाजपा के खिलाफ हो गए हैं, विरोध हो रहा है, कुछ उनका इन्होंने कोई ढंग के काम नहीं किए, इसलिए जितने देखो इसमें सब बच्चा बच्चा जानता है, जम्मू में जितने लोगों को इनसे उम्मीदें थी और आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, वो शायद वो इतना तो नहीं वो कर पाए, या उनमें क्षमता नहीं थी, या वो कुछ और मुसीबतें रही होंगी। तो वो जो एक इम्प्रेशन था खासकर जम्मू में भी, कि ये हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी है और ये पार्टी विद डिफरेंस है, उसको कुछ नुकसान हुआ इस प्रोग्राम को मेरे ख्याल में। शायद टाइम से लोग भूल भी जाएं, हो सकता है टाइम से भूल भी जाएं, और शायद ये भी हो सकता है कि भूल जाए फिर कुछ लोग ऐसे हों फिर दोबारा लोगों को याद करा दें। ये चलता रहता है, ये चलता रहेगा, इसमें मैं समझता हूँ कभी ये समाप्त, ये चीज़ें देखिए जो चीज़ें मतलब ये टेम्प्ररी होता है, ये कभी भूल जाते हैं लोग फिर दोबारा वो चीज़ें रिवाइव हो जाती हैं, तो ये चलता रहेगा। लेकिन यह कि जो भी कुछ हुआ है इट इज़ इन बैड टेस्ट, और ये कोई इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी मुझे नहीं लगती, जैसे राजनीतिक वो परिपक्वता, क्योंकि हिंदी मैंने 10वीं तक पढ़ी है, मैं भूल गया हूँ काफ़ी चीज़ें, अच्छा। राजनीतिक परिपक्वता जो होती है, शायद मैं ठीक वर्ड बोल रहा हूँ, वो मुझे को नज़र नहीं आ रही, ऐसी लग रही है जैसे हल्की फुल्की गेम है ये। जब राजनीति की समझ नहीं हो तो फिर लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने की, राजनीतिक समझ नहीं तो वहाँ लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमसे नाराज़ हो जाएंगे ना, हम कह नहीं सकते, क्या क्यों नहीं सकते, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमने ये सारी अभी बातें की ये मैसेज क्लियर है कि भाई ये ठीक नहीं है मसला। नहीं, अगर हम ये नहीं कहेंगे कि राजनीतिक समझ नहीं है, इतने इनको गलत काम में बहुत जल्दी सपोर्ट लोग कर जाते हैं, लेकिन सही काम करने के लिए, सही फैसले लेने के लिए इनके स्टेपिंग जो है बैक हो जाती है। यहाँ जम्मू के अंदर कितने सारे इश्यूज़ हैं, रोज़ हम प्रेस वाले अखबारों के अंदर कुछ ना कुछ उजागर होता है, और जब नेता जो हैं जिनका ये दायित्व है कि उनके राज्यों के अंदर अगर ये सब हो रहा है तो वो जाके पूछें, माइनिंग माफिया का इतना बड़ा स्कैम सामने आया,
कि यहाँ पैसे 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, ये चुप्पी साध के बैठे हुए, ये बोलते ही नहीं है। क्या पता बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, हमें क्या पता, हम क्या जाने। जब मेरे सामने कुछ गलत बात हो रही है, मेरे सामने मिसाल के तौर, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, अगर मेरे सामने कोई गलत बात हो रही है और मैं आंखें मूंदे हूँ, तो कोई व्यक्ति मेरे पर प्रश्न तो उठा सकता है, क्यों नहीं उठा सकता। तो फिर मुझे देना होगा ना कोई जवाब जिससे वो संतुष्ट हो जाए। अब क्या बीच में किसकी किसके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या है इनके चक्कर, क्या जाने। लेकिन ये सब मडी। जब ये कुर्सियों पर नहीं थे, इनको कुर्सियों पर लाया लोगों ने, अब ये जैसे ही उस कुर्सी के ऊपर बैठे, तो बहुत सारे जो ऊपर के बड़े बड़े अधिकारी थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेट थे, इनकी उनसे जान पहचान हो गई। अब एक फ़ोन पर ये उनके काम ज़रूर करते हैं, लेकिन जिन्होंने उधर पहुंचाया उनको ये पूछ नहीं रहे। उनको ज़्यादा काम उनसे पड़ता ना। एक बार इलेक्शन हो गया, मैंने पहले बोल दिया, इलेक्शन हो गया तो कॉमन मैन इज आउट ऑफ द पिक्चर। कॉमन मैन इज आउट ऑफ द पिक्चर। ब्यूरोक्रेट्स तो रहते ही हैं, वो उनके साथ उनको रोज़ पाला पड़ता है, तो उनको तो फिर गुड ह्यूमर पर रखना ही रखना है। ये राजनेताओं की और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके तो हमेशा इनका वो रहा है चोली दामन का साथ। अब ये गलत करें या सही, समाज के लिए अच्छा है या बुरा, ये बस कर रहे हैं, इनका रहता है ना, इनका कनेक्शन रहता है। ये राजनेता, ये पॉलिटिशियन और ये पुलिस फोर्स, ये इनका एक बड़ा अच्छा वो रहता है, गठबंधन चलाते हैं ना इस सिस्टम को, ये अपने हिसाब से ये अच्छा एक रिश्ते डेवलप करके रखते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि इनसे कहाँ पड़ेगा। एक आप, मैंने आपने वोट दे दिया, मैंने वोट दे दिया, बस वो दे दिया तो दे दिया, बस उसके बाद क्या है। जब वोट नहीं दिया तो फिर इनका क्या होगा। वोट जब वोट देना बंद कर दिया लोगों ने, फिर इनका क्या। तो लोग देंगे ही ना, किसी ना किसी को तो देंगे ही ना। ये थोड़ा कोई और आएगा फिर, ये जाएंगे बेचारा। अभी लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उनको पुराने वालों को सिलेक्ट करेंगे या नए वालों को रखेंगे या नोटा की तरफ जाएंगे। मैं क्या इसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। इन नेताओं को कोई आप सुझाव नहीं देना चाहेंगे। मैं क्या सुझाव दूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई कुछ रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, कोई जलवा दिखाएं। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, लोगों की जो आपसे वो आकांक्षाएं हैं या वो लोग जो आपसे उम्मीद करते हैं, कोशिश करें उस पर पूरा उतरने की। हम तो यही कहेंगे ना कि आप जिस कुर्सी पर हैं उससे भी और ऊपर जाएं। हाँ हाँ, उसमें चलो जाएं तो अच्छी बात है, जो लोगों की आपसे उम्मीदें हैं आप उस पर उतरें और थोड़ा इंसाफ किया जाए। ये तो नेताओं को सुझाव होगा, ब्यूरोक्रेट्स को क्या सुझाव है, बाकी जो हमारे ऑफिसर हैं पुलिस के हों या कोई भी, इनको क्या। मैं कौन होता हूँ सुझाव देने वाला। सुझाव तो जरूरी है ना, सुझाव दे। ब्यूरोक्रेट्स अपने ही लोगों को ये बेगाना समझने लगे और ये फिर थोड़ा परेशानी होती है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी यही है कि वो रूल ऑफ, मैं एक ही लफ्ज कहूँगा जिसमें क्या लफ्ज, दे शुड ऑब्जर्व रूल ऑफ लॉ, दे शुड एक्ट इम्पार्शली। अब यही कह सकते ना, अब करेंगे नहीं करेंगे, कितना इम्पार्शली एक्ट करने में थोड़ी मुसीबत आती है। नहीं, मुसीबत कुछ नहीं आती है जी, पहले बंदे की नीयत साफ होनी चाहिए, कोई मुसीबत नहीं आती है। हाँ। नीयत साफ हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब नीयत को कौन साफ करे, नीयत अगर खराब है उसको ड्राई क्लीन मैं तो नहीं कर सकता कम से कम। नीयत साफ होनी चाहिए। तो ये देखिए बात, ये मैंने कल भी आपको कहा था, ये जो ये बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, ये जो ये बातें होती हैं, इसमें बंदों को समझना चाहिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है और हमें क्या करना चाहिए। अब ये अपने ही चक्रों में पड़ जाते हैं, ये कहाँ, ये कभी लैंड माफिया, कभी ये जो आपको माइनिंग माफिया, कभी कोर माफिया, कभी लिकर माफिया, कभी माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया जी। मुझे तो लगता है कि इन सब के होते हुए माफिया, मतलब हर जगह माफिया ही माफिया। आप एजुकेशन सेक्टर में चलेंगे वहाँ भी माफिया, कोई ट्रांसफर माफिया, कोई दवाइयाँ नकली बेच रहा उधर भी माफिया। मतलब ये कि कोई ऐसी कोई खबर हमें पढ़ने को मिलती नहीं जिसे पढ़ के हमें मन को अच्छा लगे। हमें, मैं जब पेपर सुबह देखता हूँ मुझे कई बार अजीब सा लगता है, यार हम पढ़ के रहे सुबह, कोई अच्छी कोई ऐसी खबर नहीं मिलती। एक बंदा था उसने समाज के लिए अच्छा काम किया होगा, होंगे कुछ लेकिन गिने चुने होंगे।
अगर होंगे भी तो उनकी बात को पेश करने के राजी नहीं होता, वो चाहते हैं कोई धड़ल्लेदार खबर, जैसे हमारी अखबार बिक जाए, ये हो जाए वो जाए। नहीं, पैसा भी जरूरी है, बिकेगी नहीं तो। नहीं, पैसा भी जरूरी है, देखिए गुड एंड ईवल दोनों होता है जी सोसाइटी में, गुड भी है ईवल भी है, लेकिन गुड की खबर ही कम आती है, या शायद हमारी लाइफ में गुड है ही कम, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम आ गया। नहीं नहीं, गुड की वैल्यू नहीं है, या गुड का बहुत कम है वहाँ पे अवेलेबिलिटी। तो यही है, आप मुझे खींच रहे हैं, मैं आपको खींच रहा हूँ, आप मेरी इंट्रीग कर रहे हैं, मैं आपकी इंट्रीग कर रहा हूँ, और इसी में जिंदगी गुजर जाती है। और डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है, भाजपा हुआ तो छोड़िए, ये अपनी जो दूसरी और भी पार्टी है, वो भी एक दूसरे को खींचते रहते हैं, वगैरह तुम खराब हो, वगैरह तुम खराब हो, तुम खराब हो, लेकिन पब्लिक के सामने यही कहते हैं, लेकिन बीच में ऐसे थोड़ी दोस्ती भी होती है। लेकिन जब उनको ये नहीं कहते हैं कि हम खराब हैं, हमने थोड़ी गलतियां की, अपनी बात नहीं करते, इनका अपने अपने एक दूसरे को खींचते रहते हैं, इनके मैच चलते रहते हैं, लेकिन एक बार ये इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे एक ऐसा वक्त आता है जो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ खड़ा इकट्ठे करते हैं एक बार। अब वो पूछेंगे क्या है वो, जब इन्होंने अपनी कोई तनख्वाह बढ़ानी होती है, अच्छा, जब इन्होंने कोई अलाउंस बढ़ाने होते हैं, और जब इन्होंने कोई बेनिफिट लेना होता है जिसमें सबको, उस वक्त ये बिल्कुल वन। और आज की डेट में भी मैं एक बात आपको इशारा से कर दूं, हमारे कुछ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इनको काफ़ी ज़्यादा आम मुलाजमों से मिलता है, इनको आम मुलाजमों से ज़्यादा इन मुलाजमों से इनको कुछ मिलता है। जैसे मुझे एक बंदा कह रहा था, मुझे वो याद भी नहीं आ रहा, वो क्या उसने कहा था, ये कहता है इवन ये मेडिकल अलाउंस से इनको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डनरी जो मुलाजिम होते हैं। अच्छा, मुझे ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो मुझे कह रहा था कुछ ऐसा है कि इनको मेडिकल अलाउंस जो है जैसे मुलाजमों को मिलता है, उससे काफ़ी इनको ज़्यादा मिलता है। और अगर आप कभी इंटरनेट में देखें या कभी वो थोड़ा सा कोशिश करें, आप देखिए कि एक MLA और MLC को कितने अलाउंसेज और कितनी फैसिलिटीज इवन आफ्टर लीविंग द ऑफिस उनको मिलते हैं, सब इन्होंने कानून पास करवा रखे हैं, उनमें उनका एक होता है, वो उसमें एक, क्योंकि उसमें सबको है, बाकी ये खींचते रहते हैं, वो उसको खींच रहा है, 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 बस खबरें शबरें चलती हैं। तो ऐसे अंत में जाते जाते एक सवाल मैं आपको पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में पूछना चाहूँगा कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों को जो SHOs हैं कहीं शिकायत होती है तो वो कोई इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर एक्ट करना हो तो ये काफ़ी पावरफुली एक्ट करते हैं, वहाँ पर ये ऐसा दिखाते हैं कि इनसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा योग्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे पक्ष के ऊपर घूमती है सुई, मतलब जो पावरफुल जो क्रिमिनल वाला पक्ष है उसकी तरफ थोड़ा सा ये कमज़ोर दिखते हैं, ऐसा क्यों लगता है, ये लगता है मतलब सोसाइटी के अंदर? ज़रा आप इस प्रश्न को दोबारा रिपीट करें, मैं कुछ बात को समझा नहीं आपकी। मतलब दो पक्ष हैं, एक सही पक्ष और एक गलत पक्ष। सही पक्ष की तरफ अगर FIR लॉज होती है तो पुलिस जल्दी एक्ट करती है, लेकिन अगर गलत पक्ष की तरफ होती है तो थोड़ा ढीला रवैया। ये सोसाइटी के अंदर एक कमज़ोरी हमें दिखती है। नहीं, सोसाइटी में ये कमज़ोरी नहीं है, वो पुलिस अफसरों में कमी है, सोसाइटी में क्या कमज़ोरी है इसमें? लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल। लेकिन वो जो शरीफ बंदा होता है, शरीफ बंदा, उसको दबाना ज़रा आसान होता ना जी। अच्छा, और हमारे शरीफ ही है ना, वो खाली शरीफ ही हैं, वो भी अपना राइट नहीं प्रोटेक्ट कर पाते, नहीं कर पाते। वो अगर आप सत्य हैं, सत्य पर चलते हैं, सच पर चलते हैं, तो थोड़ा बोल्ड भी होना पड़ेगा ना आपको। नहीं, सत्य जो सत्य बोलने वाले लोग होते हैं वो इनोसेंट भी, कोई प्यार से बोल दे कि अरे भाई ये बेचारे पिघल भी जाते हैं, ऐसे नहीं होता। सत्य के साथ थोड़ी सी वो भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए अपनी बात को कहने की। बाकी वो जो दूसरे किस्म के होते हैं वो लोग, जिसे आप क्रिमिनल कह रहे हैं, उनकी भी एक नेटवर्किंग रहती है, उन्होंने पहले ही बना रखी है, एक नेटवर्किंग होती है, तो वो उसमें बड़ा उनको सोच समझ के वो बात करते हैं उस हिसाब से। जनाब, अगर ये कुछ ना होता तो ये आपकी अखबारों में ये क्यों लफज आते, पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, क्रिमिनल्स और पुलिस का क्या है नेक्सस है। और कई बार वो पॉलिटिशियंस का भी कह देते हैं, राजनेता और ये पुलिस और ये क्यों ऐसे, ये ऐसी वोकैबुलरी क्यों आई है मार्केट में? नहीं तो इनको कहीं ईश्वर के वहाँ पे भी जवाब देना, तो अंत में क्योंकि जब सर्विस कर लेते हैं, जो भी इनको करना ही कर लें, उसके बाद ये कहाँ ध्यान करने चले जाएं? नहीं, मेरे कहने से थोड़ी जाएगा ध्यान करने को लिए, वही ना मेरे कहने से थोड़ी जाएगा। नहीं, मतलब होता है ना कई बार आदमी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, फिर आत्म शुद्धि के लिए वो कहीं तो जाएगा। अपने दीपक जी, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं।
कौन किसको शुद्ध कर रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, वो छींटा कशी है, आप मेरा नुक्स निकाल रहे हैं, मैं आपका नुक्स निकाल रहा हूँ, बस यही, इसी में ज़्यादा हमारे लोगों की लाइफ निकल जाती है। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मनिरीक्षण करते हैं। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, कुछ पुलिस ऑफिसर भी बड़े बढ़िया हुए हैं, ये ना तो आप कहना, कुछ पुलिस ऑफिसर भी बढ़िया हुए। हाँ, बिल्कुल। मरुआ साहब का नाम आता है अभी तक, मरुआ साहब, रुबैरो साहब का नाम आता है, वो ट्रिब्यून में कंट्रीब्यूट करते हैं अभी भी। जूलियस रुबैरो का नाम सुना होगा आपने, मरुआ साहब का नाम आता है। इसके अलावा और भी कुछ होंगे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे सारी जानकारी, लेकिन कम है वो। बाकी तो वही है, बस चल रहा है मोटे तौर पे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। चलिए, भाजपा से शुरू किया था तो भाजपा को काफ़ी ज़्यादा हमने अपने कुछ बातें समझाई हैं हमें। मैं क्या समझाऊंगा भाजपा को, वो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महान लोग हैं, मैंने क्या समझाना है उनको। ये करते हैं ध्यान वगैरह आपको लगता? ध्यान कौन सा ध्यान, मतलब ईश्वर को पाने के लिए जो ध्यान है, वो एक दो भाजपा के लोगों से पूछें, मैं क्या बताऊँ, मेरा कोई इन लोगों के साथ लिंक है ही नहीं, ना मुझे इनसे कोई काम पड़ता है, मुझे कोई इनका पता नहीं ध्यान करते हैं या क्या करते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। लगता है आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ, लगता है आपको ध्यान वगैरह करते होंगे, ईश्वर की भक्ति? मेरे पास कोई थर्ड आई नहीं है कि मैं घर से बैठ के देख लूँ ध्यान कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जब इनके हम बयान शयान पढ़ते रहते हैं, उनसे लगता है कि कुछ काफ़ी मुसीबतें हैं, बस ये काफ़ी कहने के लिए, कुछ काफ़ी मुसीबतें हैं, बस इतने काफ़ी कहने के लिए। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए आपकी। तो हमें लगता है कि सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियां हैं, हो गई हैं, और इस व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें आम लोगों का भी योगदान होना चाहिए, और आम लोग आजकल काफ़ी एक्टिव दिखते भी हैं। थोड़ी राजनीतिक लोगों ने इनको सिखा दी है। कई लोग बेचारे जो गरीब गुरबा हैं वो फंस जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल माइंड से ज़्यादा शार्प हो गए हैं, वो भी आजकल गेम खेलने लगे हैं। तो सोसाइटी को सही व्यवस्था में लेकर आना ज़रूरी है, और एक दूसरे को जो भाजपा वाले कर रहे हैं, दूसरे को कहते हैं, एक को कहते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांग ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, इससे तो क्या लीडरशिप आप क्या पेश कर रहे हैं जम्मू के अंदर, इस तरह से होती लीडरशिप? लेकिन जनता जनार्दन जो है वो मुख्य है, वही बनाती है, वही तबाह भी करती है। राय भी आप लोग ही दें, और क्या कैसे जम्मू कश्मीर में आगे जो है इन पॉलिटिकल लीडरों को कदम रखने चाहिए, किस तरह से इस व्यवस्था को ठीक करें, इसके ऊपर आप सुझाव ज़रूर दें। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।